और वही हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते अब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा की जरूरत के हिसाब से जल की पूर्ति नहीं हो रही है। यमुनानगर सिंचाई विभाग अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब भी पानी की कमी है। इस बीच यमुना नदी के पानी के लेकर दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पानी के लिए गुहार लगाई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब मॉनसून आ गया है, जिसके चलते हाथनी कुंज बैराज पर पानी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। हथनी कुंड बैराज पे यदि हम पानी का लगाएं तो क्योंकि पानी फ्लक्चुएट हो रहा है, कल एक बार पानी की अवेलेबिलिटी कुछ ज़्यादा हो गई थी, हमारे पास 14-15 हज़ार क्यूसिक पानी टोटल था, जिसमें यूपी का भी शेयर जाने के बाद हमें हरियाणा में 10-1 हज़ार क्यूसिक पानी मिला था। आज यदि एट प्रेजेंट का लगाएं तो हमारे पास इस टाइम 8,000 से 10,000 क्यूसिक पानी इस टाइम में फ्लक्चुएट कर रहा है, और हम जो पानी है वो सारे का सारा मुनक हेड की तरफ WGCML के थ्रू करनाल सर्कल को डिलीवर करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर कोई पानी का और यूसेज नहीं है, हमारे पास तो जितना पानी अवेलेबल होता है ऑन द वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड टू करनाल एट मुनक हेड थ्रू WGCML। नहीं, हम तो जितना उनका डिमांड होता है करनाल का, और यदि हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उनकी डिमांड पूरी करने के बाद हम पानी रिवर यमुना में छोड़ते हैं, पर अभी तक ऐसी पोजिशन इस बार नहीं आई कि हम रिवर यमुना में कोई पानी अवेलेबल।